अभी हमने आपको महाराष्ट्री की समाधि स्थली महाराष्ट्री की प्रतिमा के दर्शन कराए थे। अब हम आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्री के जन्म स्थल, महाराष्ट्री का घर जहाँ महाराष्ट्री का जन्म हुआ था। आइए चलते हैं महाराष्ट्री के जन्म स्थल का और देखते हैं वहाँ पर आज क्या स्थिति है। देखिए ये महाराष्ट्री का घर है जहाँ महाराष्ट्री का जन्म हुआ था। आज भी महाराष्ट्री के परिजन इस घर में रहते हैं और आइए चलते हैं हम महाराष्ट्री के परिजनों से बात करते हैं। आइए ये हमारे साथ हैं महाराष्ट्री के भतीजे जी। जी अब उनसे बात करते हैं। आपका नाम? धरेंद्र कुमार जैन। धरेंद्र कुमार जैन। आप महाराष्ट्री के भतीजे? हाँ जी। आप? हम भी भतीजे हैं। आप? हम छोटे भतीजे। सनत कुमार जैन। हाँ महाराज जी के दोनों भतीजे धरणेंद्र कुमार जैन और सनत कुमार जैन हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं महाराज जी के बारे में कुछ, उनके बचपन की चीज़ें, बचपन की बातें। यहाँ पर ही महाराज जी का जन्म हुआ था जी। हमारा सौभाग्य यहाँ पर जन्म हुआ था। यहाँ पर हमारे पिताजी से वो बड़े थे और तीन भाई थे, चार पांच महीने थे और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर उनकी कृपा से अच्छी प्रकार से हैं। अभी हमने आपको दिखाया महाराज जी के दोनों भतीजे जी। आइए चलते हैं, जरा देखते हैं उनके घर की स्थिति। ये मैं आपको अब बता रहा हूँ जिनके बारे में, ये वो महाराज जी के सांसारिक जीवन की भाभी जी हैं। आपका नाम? कैलाश कुमारी जैन। ये कैलाश कुमारी जैन हैं जो महाराज जी के सांसारिक जीवन की भाभी जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं महाराज श्री के बारे में कुछ जानकारियाँ। महाराज जी जो है मेरे शादी से पहले मतलब वो बहरा ही हो चुके थे। मुझे तो पता नहीं है क्या है, तो अब जो है सुन रहे उनका दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। जी देखा आपने, ये भतीजी हैं। अच्छा हमारे साथ में हैं महाराज जी की भतीजी जी। आइए उनसे भी बात करते हैं। बहुत सौभाग्य वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में महाराज जी का आशीर्वाद होता है, उनका जन्म होता है। अच्छा श्री का आशीर्वाद है, हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर रह रहे हैं।